हेलो गाइस, कैसे हो सब। उम्मीद करता हूँ कि आप सब मस्ती में होंगे। तो गाइस, अभी जो आपके स्मार्टफोन के स्क्रीन पे दोस्तों जो वीडियो प्ले हो रहा है, गाइस मैं आज आपको कुछ इस तरह का गायब होने वाला वीडियो बनाना सिखाऊंगा। तो गाइस, आपको अगर सीखना है कि इस तरह का वीडियो कैसे बनाते हैं, तो फ्रेंड्स मेरे इस वीडियो को आपको थोड़ा सा ध्यान देकर देखना होगा, क्योंकि गाइस जो मेरा चैनल कंटिन्यू देखता है उसको फ्रेंड्स पता है कि इस तरह का वीडियो बनाने के लिए आपका जो एडिटिंग सॉफ्टवेयर है दोस्तों काइन मास्टर, उसी के हेल्प से मैं कुछ इस तरह का वीडियो बनाना सिखाता हूँ। तो गाइस, वीडियो को आपने अगर अभी तक लाइक नहीं किया तो वीडियो को फटाफट एक लाइक कर दीजिए, क्योंकि गाइस आपका एक लाइक आपके भाई को बहुत ज़्यादा मोटिवेट करता है। तो गाइस, आपसे मेरा रिक्वेस्ट है कि वीडियो को फटाफट एक लाइक कर दीजिए, और दोस्तों हो सके तो अपने फ्रेंड्स को भी थोड़ा सा वीडियो शेयर कर दे, ताकि गाइस वो भी ट्रेंडिंग टॉपिक के ऊपर कुछ इस तरह का वीडियो बना के अपना लाइक्स और फॉलोअर बढ़ा सके। गाइस, इस तरह का वीडियो बनाने के लिए जो आपको बिहाइंड द सीन शूट करना है दोस्तों, यहाँ पर देख सकते हैं मैं कुछ इस तरह से एक्टिंग करके वीडियो को शूट कर रहा हूँ। गाइस, आपको यहाँ फर्स्ट पार्ट में कुछ इस तरह जंप कर लेनी होगी गाइस, उसके बाद गाइस आपको सेकंड पार्ट में भी गाइस आपको यहाँ पर देख सकते हैं कुछ इस तरह से जंप करके मैं आगे तरफ आ रहा हूँ, कुछ इसी तरह से आपको एक्टिंग कर लेनी है। इसके बाद का जो प्रोसेस है दोस्तों, आपको अपने स्मार्टफोन में इंस्टॉल काइन मास्टर एप्लीकेशन को आपको ओपन करना है। काइन मास्टर को ओपन करने से पहले गाइस, आप अगर मुझे नहीं जानते हो तो मैं फ्रेंड्स आपको बता दूँ कि मेरा नाम है विद्युत, और मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आपके और हमारे यूट्यूब चैनल जे एस आर करौंडा में। गाइस, अगर आप मुझे बकते हुए पहली बार सुन रहे हो या फिर मेरे चैनल पे दोस्तों आप पहली बार आए हो, तो फ्रेंड्स आपको इसी वीडियो के नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिखेगा, सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करके दोस्तों आप ऑल सिलेक्ट कर ले, ताकि गाइस मैं कुछ भी लेटेस्ट वीडियो अपलोड करूंगा उसके नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिलेगा। अब गाइस, बिना किसी देर के चलिए वीडियो का भी स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, यहाँ पर देख सकते हैं जो मेरा स्मार्टफोन का काइन मास्टर एप्लीकेशन है दोस्तों, उसको मैंने ओपन करके रखा है। अब गाइस, आपको जो बीच में यहाँ पर एक न्यू ओपटी फाइल का ऑप्शन दिख रहा होगा, देख सकते हैं इस वाले न्यू ओपटी फाइल में फ्रेंड्स आपको क्लिक करना होगा। जैसे गाइस आप इसमें क्लिक करेंगे, कुछ इस तरह के तीन एक्सपेक्ट रेशियो आपके सामने आएंगे। यहाँ पर गाइस आपका जो टिकटॉक बनाने का एक्सपेक्ट रेशियो है वो है आपका 9:16 का। आपको दोस्तों 9:16 एक्सपेक्ट रेशियो में क्लिक करके अपना काइन मास्टर एप्लीकेशन का आपको ओपन कर लेना होगा। तो गाइस, यहाँ पर देख सकते हैं जो मेरा काइन मास्टर एप्लीकेशन है उसको मैंने ओपन कर लिया है। अब गाइस, आपको यहाँ पर राइट साइड में जो मीडिया का ऑप्शन दिख रहा होगा, देख सकते हैं इस वाले मीडिया फ्रेंड्स को क्लिक करके अपना गैलरी को ओपन करना होगा। और यहाँ से गाइस, जैसा मैंने बिहाइंड द सीन मेरा वीडियो को शूट करके आपको दिखाया है, आप दोस्तों जो अपना वीडियो शूट किए हो उस वाले वीडियो को फ्रेंड्स आपको सिलेक्शन करना है। मेरा दोस्तों जो रिकॉर्डिंग किया वीडियो है उसको मैं सिलेक्शन कर रहा हूँ। तो गाइस, यहाँ पर देख सकते हैं जो मेरा रिकॉर्डिंग किया वीडियो है उसको मैंने सिलेक्शन कर लिया है। सबसे पहले दोस्तों आपको अपने वीडियो के ऑडियो को आपको कुछ इस तरह से म्यूट कर लेना होगा। म्यूट कर लेने के बाद गाइस, देख सकते हैं यहाँ पर जिस जगह पर गाइस मैं एक्टिंग किया हूँ उस जगह का अब मेरे वीडियो में एक खाली पार्ट है। गाइस, आपको क्या करना, इस वाले खाली पार्ट का फ्रेंड्स आपको एक फोटो कैप्चर करना होगा। फोटो कैप्चर करने के लिए दोस्तों आपको उसी फाइल में कुछ इस तरह से आपको क्लिक करनी है। जैसे दोस्तों आप उसमें क्लिक करेंगे, लेफ्ट साइड में फ्रेंड्स आपको यहाँ पर एक बॉक्स दिखेगा, देख सकते हैं। आपको गाइस इस वाले बॉक्स में क्लिक करके यहाँ पर आपको फर्स्ट वाले ऑप्शन पर आपको सिलेक्शन कर देना होगा। जैसे गाइस आप सिलेक्शन करेंगे, इस जगह का फोटो फ्रेंड्स आपके गैलरी में अभी सेव हो गया है। अब गाइस आपको क्या करना है, आपको अपने वीडियो में कुछ इस तरह से आपको फर्स्ट तरफ आना होगा। आने के बाद गाइस आपको अपना वीडियो को प्ले करना है। प्ले करके दोस्तों आपको उस जगह को सर्च करना है जहाँ फ्रेंड्स आप जंप कर रहे हो। तो गाइस देख सकते हैं इस जगह पर मैं फ्रेंड्स जंप कर रहा हूँ। तो गाइस आपको क्या करना है, अभी कुछ इसी तरह से गाइस इस फाइल में आपको क्लिक कर लेना है। और गाइस ऊपर में यहाँ पर एक जो सीजर का ऑप्शन दिख रहा होगा, देख सकते हैं इस वाले सीजर में फ्रेंड्स आपको क्लिक करके यहाँ पर गाइस आपको इस वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक करके आपको अपना वीडियो को डिवाइड कर देना होगा। डिवाइड कर देने के बाद गाइस आपको दोस्तों वापस अपना वीडियो को प्ले करना है, और गाइस जहाँ फ्रेंड्स आप रिटर्न आ रहे हो जंप करके उस जगह को आपको सर्च करना होगा। तो गाइस देख सकते हैं इस जगह से फ्रेंड्स मैं वापस रिटर्न आ रहा हूँ। तो गाइस आपको क्या करना है, आपको उसी फाइल में कुछ इस तरह से क्लिक करना होगा दोस्तों, और जो ये पार्ट है दोस्तों इसको फ्रेंड्स आपको कुछ इस तरह से सीजर की हेल्प से आपको हटा देनी होगी। कुछ इस तरह से हटा देने के बाद गाइस आपको क्या करना होगा, आपको गाइस जो राइट साइड में यहाँ पर एक मीडिया का ऑप्शन दिख रहा होगा, देख सकते हैं इस वाले मीडिया फ्रेंड्स आपको क्लिक करके अपना गैलरी को ओपन करना होगा। और यहाँ से गाइस जो फोटो आपने अभी अभी आप कैप्चर किए हो उस वाले फोटो को फ्रेंड्स आपको सिलेक्शन करना होगा। मेरा दोस्तों जो फोटो है उसको मैं सिलेक्शन कर रहा हूँ। तो गाइस यहाँ पर देख सकते हैं जो हमारा फोटो है उसको मैंने सिलेक्शन कर लिया है। अब गाइस आपको क्या करना है, आपको गाइस अपने वीडियो में कुछ इस तरह से गाइस आपको इस जगह पे आना होगा। कुछ इस तरह से आपको इस जगह पे आने के बाद गाइस आप क्या कीजिएगा, आप इसी वाले वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में चले जाइएगा, जहाँ पर गाइस मैंने टेलीपोर्ट इफेक्ट का जो ग्रीन स्क्रीन का वीडियो है दोस्तों उसको दे के रखा है। आपको दोस्तों उस वाले वीडियो को डाउनलोड कर लेना है। अगर दोस्तों मेरे दिए हुए डिस्क्रिप्शन के लिंक से ये वीडियो डाउनलोड नहीं होता है, तो फ्रेंड्स आप मेरे टिकटॉक आईडी से भी इस वीडियो को डाउनलोड कर सकते हैं। मेरा जो टिकटॉक आईडी है दोस्तों आपको मेरे डिस्क्रिप्शन पर ही मिल जाएगा। डाउनलोड करके आपको इस फाइल को सिलेक्शन करने के लिए क्या करना होगा, जो आपको राइट साइड में यहाँ पर एक लेयर का ऑप्शन दिख रहा होगा, देख सकते हैं इस वाले लेयर में आपको क्लिक करना है। और गाइस जो फर्स्ट ऑप्शन है आपका मीडिया का, आपको इसी वाले मीडिया में क्लिक करके अपना गैलरी को ओपन करना होगा दोस्तों। और यहाँ से गाइस टेलीपोर्ट इफेक्ट के जो आपको वीडियो है ग्रीन स्क्रीन का उसको आपको सिलेक्शन करना है।
गाइस यहाँ पर देख सकते हैं जो वीडियो दोस्तों उसको मैंने सिलेक्शन कर लिया है। अब गाइस आपको जो ग्रीन स्क्रीन दिख रहा है देख सकते हैं, इसको फ्रेंड्स आपको रिमूव करना है। इसको रिमूव करने के लिए आपको जो राइट साइड में ऑप्शन सब दिख रहा होगा देख सकते हैं, इसी ऑप्शन का अगर आप स्क्रॉल करके नीचे करेंगे तो फ्रेंड्स आपको यहाँ पर एक कोरमाकी का ऑप्शन दिखेगा। आपको दोस्तों इस वाले कोरमाकी में क्लिक करके आपको गाइस यहाँ पर इनेबल पर आपको क्लिक कर देना होगा। जैसे गाइस आप यहाँ पर इनेबल पर क्लिक करेंगे आपका जो वीडियो दोस्तों कुछ इस तरह से ट्रांसपेरेंट हो जाएगा। अब गाइस आपको क्या करना है, कुछ इस तरह से गाइस आपको उस वाले इफेक्ट को गाइस कुछ इस तरह से आपको इस जगह पे लाना होगा जहाँ फ्रेंड्स आप जंप कर रहे हो, और अपने हिसाब से गाइस कुछ इस तरह से आप इसको बड़ा कर लीजिएगा। जिस तरह से तो मैं कर रहा हूँ आप भी गाइस कुछ इस तरह से अपने हिसाब से एडजस्ट कीजिएगा। एडजस्ट कर लेने के बाद गाइस आपको क्या करना है, इस वाले टेलीपोर्ट को फ्रेंड्स आपको कुछ इस तरह से आधा दूर तक लाना है, और गाइस बाकी के जो पार्ट है दोस्तों उसको कुछ इस तरह से आप सीजर्स की हेल्प से आप हटा लीजिएगा। अब दोस्तों अपना वीडियो को अगर आप प्ले करके देखेंगे दोस्तों तो आपका वीडियो अभी कुछ इस तरह से दिखेगा देख सकते हैं। तो गाइस इस तरह से आप बहुत ही आसान से स्टेप को फॉलो करके आप ट्रेंडिंग टॉपिक के ऊपर कुछ इस तरह का वीडियो बनाया गाइस अपना लाइक्स और फॉलोअर को बढ़ा सकते हैं। अब गाइस आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है, आपको दोस्तों यहाँ पर जो लेफ्ट साइड में एक शेयर का ऑप्शन दिख रहा होगा देख सकते हैं, इस वाले शेयर में आपको क्लिक करके आपको अपना फाइल को एक्सपोर्ट कर लेना है। तो गाइस उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा है। अगर दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को फटाफट एक लाइक कर दीजिए। अगर दोस्तों आप मेरे चैनल पर नए हो तो फ्रेंड्स आपको पता है आपको क्या करना है। अब गाइस बिना किसी देर के चलिए वीडियो पर अभी एंडिंग लगाते हैं।